श्रोताओं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप जी हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय में शोध कार्य एवं शिक्षण कार्य किस प्रकार प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ किसानों का खेती में कार्य करना और विश्वविद्यालय से सलाह प्राप्त करना वो कितना कार्य प्रभावित हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, शोध कार्य प्रमुख कार्य है विश्वविद्यालय का, कितना असर पड़ा है इस पर लॉकडाउन की वजह से? असर तो देखिए बहुत ज्यादा पड़ा है कि सबसे बड़ा तो ये है कि यूनिवर्सिटी तो जानी जाती है पढ़ाई से, क्लासें लगी हों, वाइब्रेंट माहौल तो वही होता है, वो सारे का सारा फसल गया, वो ठप हो गया, बच्चे हमें घर भेजने पड़े, तो बच्चे इस वक्त सब घर पे हैं और पीएचडी वाले बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं, बाकियों को हमें घर भेजना पड़ा था। तो नेचुरली कैंपस खाली हो जाए तो बिना बच्चों के तो घर भी अच्छा नहीं लगता, तो यूनिवर्सिटी भी कहाँ अच्छी लगी। अब दूसरा पार्ट ये होता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च होती है, साइंटिस्ट दूसरी रिसर्च करते हैं, जिसे बीज बनते हैं या वो है, वो हमारा काम चला हुआ है उसमें, क्योंकि वो तो फसल के रिलेटेड है। तो वो कोरोना टाइम्स में भी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो खेत में जाते थे, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं वो यहीं उनको हमने रख लिया था, कहा जी हमारा काम होगा वो रखा है। उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है कि जैसे पानी देना है तो वो लेबर के बदले उनको खुद जाना पड़े, रीडिंग लेनी है या कोई और काम है, जो मैनुअल मदद के लिए थे तो शुरू में टीचर को या बच्चों को खुद करना पड़ा, अब पार्शियल फर्क पड़ा है। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य मुख्य रूप से संपादित होता है, लॉकडाउन की वजह से निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ा है और क्लासेज नहीं चल रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है? जब कैंपस में बच्चे नहीं बुला सकते, अब तो ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला भी हो चुका हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे तरीके अपनाए जिससे पढ़ाई का जो सेशन है हमारा उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो हमने भी इसमें स्विच ओवर किया, उसकी ये थी कि पहले तो पता ही नहीं था कैसा होगा, तो कुछ लोगों को आता था कहीं होगा, तो हमने पहले से ही क्या किया वो हमारी प्लानिंग में था, इस वजह से नहीं कि कोरोना था, पर हम तो अपनी तरफ से जारी करने के उसमें देखे लोगों को ये सिखाएंगे कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, दूसरा क्या हो, उतने को कोरोना का हो गया तो हमने फिर एक कार्यक्रम चलाया, सारे टीचरों को ट्रेन किया कि कैसे आप डिस्टेंस लर्निंग मोड में जा सकते हैं। तो उसका ये फायदा हो कि आज के दिन में 80-90% जो कोर्सेज हैं हमारे वो लगभग इतने नंबर स्टूडेंट्स के वो ऑनलाइन या टेलीफोन पे या उस पर मटीरियल डिलीवर और उनका वो का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो दूर दराज इलाके के हैं जहाँ डाटा बैंक नहीं है, अब तो फोन में जो है वो ऑनलाइन नहीं सर्विस हो सकती, बाकी लकीली क्या है कि वो होते होते फिर बच्चों को कॉन्टेक्ट के सब कुछ के आज के दिन में ऐसा लगता है कि कोरोना का जो बुरा असर पड़ना था पढ़ाई का वो नहीं पड़ेगा इतना। अब हम सिर्फ परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों को 15 दिन मिल जाए या टीचरों के साथ इंटरेक्शन के लिए कोई पूछना पाछना है, बाकी एग्जाम देने के लिए टाइम मिले, कहीं वो अभी तक हम आशा रख रहे हैं कि एग्जाम हम ले पाएंगे या तो फिर उसका भी कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो खैर हमने सोचा है, पर ऐसा लगता है कि अभी ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं तो हम वो भी कर लेंगे। एग्जाम्स के कई तरीके हैं, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पेपर सेटिंग का तरीका बदलो, ऐसे सवाल दे दो कि बच्चा घर में बैठ के ही लिखे। हमारा मकसद तो उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई हम चाहेंगे कि बच्चा सारी किताब पढ़े, तो वो फिर सवाल ऐसा बनाओगे उसको पढ़नी पड़े, वो नकल मार के लिख ले, लेकिन सवाल सीधा नकल मार के नहीं मानता, उसको एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर्स बोलते हैं। तो हमने वो आपस में डिस्कस किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि अगर ऐसी हालात होते हैं कल को वो करना पड़े तो काम कर सकते हैं, तो वो अभी उसकी तैयारी की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ऐसी लगता नहीं, ऐसी इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, लेकिन हमने आपस में बात की अगर कभी ऐसा हुआ भी तो हम बच्चों का जुलाई में धान लेने के लिए तैयार हैं, लेट जून और जुलाई में भी होगा तो अगला सेशन लग सकता है, अगर कभी ऐसा हुआ कि नहीं हो तो फिर हम अल्टरनेटिव जो मोड है वो भी अप्लाई करेंगे, वो भी हो सकता है। तो इमरजेंसी होती है तो वो बहुत कुछ सिखाती है, मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ कि कोरोना की वजह से कई चीजें ऐसी हुई जो हम शायद 10 साल बाद सोचते हैं, जैसे ये ऑनलाइन पढ़ाई, अगर एग्जाम भी लेने पड़े कभी तो वो तो हम 10-15 साल तक किसी ने मानना ही नहीं था, बात ही नहीं माननी थी, कभी कभी ये ऐसी चीजें ऐसी बुराइयां अच्छा काम कर जाती है, मैं उस तरह से देख रहा हूँ, कभी दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है, काम घर से कैसे कर सकते हैं, आजकल खाली खाली लगता है काम तो हमारा तब भी चला हुआ है जिसने जो करना है, तो पढ़ाई के लिए खासकर ये वरदान साबित होगा फ्यूचर में, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे हालात में
कैसे जीना है और यूनिवर्सिटी कैसे चलानी है वो सीख लिया है। विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण ये भी कार्य है कि किसानों को समुचित खेतीबाड़ी की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सलाह दी जाए, और ये सलाह इस समय किस प्रकार से दी जा रही है क्योंकि किसान भी संस्थान तक नहीं आ पाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र तक नहीं आ पा रहे हैं, वो भी बंद चल रहे हैं, ऐसे में उनको कैसे जानकारी दी जा रही है? ये तो आपने बात सही कही, जरा बड़ा सही जवाब। अगर रोजों के नए हालात, नई समस्या, नए हालात, तो हम भी एक्सपेरिमेंट से आपस में डिस्कस करके कोई न कोई तरीका ईजाद करके उस चीज को हल करने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए भी। अब बच्चे हों, किसान हैं, किसानों की समस्या वही है, अब उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा माहौल नीचे थोड़ा ठीक हो तो हमारे लोग तैयार हैं। केवी के हमारे वही हैं, लोग भी वही हैं, वो तो सिर्फ फुल स्टॉप किए क्योंकि उसमें एक बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की है कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस बंद है, तो जब वो बंद है तो उस वजह से इधर उधर जाना बिल्कुल ठप है। लेकिन उनके लिए खुशी की बात यह थी कि ऑनलाइन सर्विस टू फार्मर्स, हम ऑन कॉल है, कोई भी किसान फोन करके समस्या का हल खोज सकते कि मेरी खेती में ये सब मैंने क्या करना, तो वो बिल्कुल पैरेलल चला हुआ, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। आदमी भी बैठे हुए हैं और वो कहीं से भी कोई भी किसान फोन करे तो वो कॉल सेंटर जो है वो हमारे एक्टिव हो गए हैं। उसके साथ ही हमने एक आगे अभी के लिए तो वो ठीक ठाक चला, अभी तो हम ये भी कर रहे हैं कि और ब्रॉडबैंड सिस्टम सेट कर रहे हैं कि फील्ड से डायरेक्टली फोटो के साथ किसान खेत में जाके वो दिखाए, तो उस पे जाके यहाँ समस्या या आदमी बैठा हुआ, वो इस कोरोना ने सिखाया कि उसके लिए भी हम तैयार करें अपने आप को। वो आज के दिन में तो ये सुविधा अभी थी नहीं, लेकिन हमने उसके लिए डिस्कशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल बनाने शुरू कर लिया है कि हम आगे के लिए ऐसा हुआ तो किसान को बुरा ही नहीं लगेगा क्योंकि उसमें किसी के ना जाने की जरूरत ना कुछ है, वो खेत में बैठ के पूछ सकता है। कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार लॉकडाउन का असर विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर पड़ा है, साथ ही साथ शोध कार्य एवं ऑनलाइन शिक्षण कार्य किस प्रकार से संपादित किया जाता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया।